अभी बैठक थी, सभी तरह की बातें आई जिसमें झारखंड प्रदेश से जो जितने विधानसभा के लोग आए थे 2019 से अभी बढ़ोतरी हुई है हर क्षेत्र में। चाहे पोटका में, मैं पोटका से लड़ रही थी, वहाँ से भी पहले के हिसाब से वोट में बढ़ोतरी हुई है और अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन सीट नहीं निकाल पाए। वही है थोड़ा बहुत कारण, जो भी होगा, का पार्टी के लोग मेहनत किए, संगठन पूरी तरह से मेहनत किए, सभी लोग लगे रहे और बेहतर प्रदर्शन रहा। कारण समीक्षा में कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है, कहीं सब जीत रहा सब सीट में वैसे ही था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई चीज़ हुआ होगा, या अभी जैसे पूछ रहे थे कि मैया योजना, हो सकता है उसमें भी, नहीं बोल के नहीं कहूँगी, क्योंकि 12 तारीख को मिलना थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ता है। प्रधानमंत्री का एक है तो सेफ है का नारा जो झारखंड में नहीं चला, वही नारा महाराष्ट्र में चला और इतनी बड़ी जीत मिली, वही नारा झारखंड में नहीं हो पाया। ऐसे बात नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं, बोले ना थोड़ा सा ऊपर नीचे, सब बढ़ोतरी, सब विधानसभा, सभी जितने विधानसभा की बैठक एक एक करके बात हुई, सब में बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हुआ है, उसी से ही हार है और अच्छा प्रदर्शन रहा हम लोग का, ऐसा नहीं। मैया सम्मान योजना को आप किस नज़र से देख रही हैं? आप खुद में महिला है, बताएं कि कैसे देख रही हैं आप? देखिए, महिला सम्मान योजना ऐसे समय में दिया गया, पहले तो ये तो चुनाव का ही ये था, JMM की तरफ से, जब UPA की तरफ से जो था कि इलेक्शन के 2 महीने पहले से शुरू करना, फिर इलेक्शन के आप वोटिंग के पहले दिन देना, थोड़ा बहुत पड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। महिलाएं हमारे साथ भी हैं और बहुत अच्छा से वोट की हैं, बहुत बढ़िया रहा। आदिवासी छिटकता जा रहा है, आपका 28 में से सिर्फ एक सीट जो है आदिवासी सीट जो है BJP जीत पाई है, तो ऐसे में क्या देखती है कि आदिवासी क्यों छिटक रहे हैं? आदिवासी छिटका नहीं है, आज यदि सब विधानसभा में बढ़ोतरी दिखी है, इसका मतलब आदिवासी भी हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। एक सीट का जीतना, क्या लगता है कि ये चेहरे जो हैं चूके हुए चेहरे माने जाते हैं आदिवासियों में? देखिए, ऐसा नहीं है, आदिवासी जो वोटर्स हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। अगर आप पूरे इस चुनाव के वोट प्रतिशत को देखें या पूरे जो आदिवासी सीटों पर अगर हम वोटिंग पैटर्न को भी देखें, तो लोगों ने ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है। कई ऐसे जगह है जहाँ पर लोगों ने सिर माथे पर भारतीय जनता पार्टी को बैठाया है, उसे सम्मान दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी खुले मन से आदिवासियों के लिए काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकार दिया है। 28 में से एक भी सीट जो है, एक सीट से अगर चंपई सोरेन का सीट को छोड़ दे तो कोई भी सीट आदिवासियों की BJP जीत नहीं पाई है, इसका एक कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, इससे बहुत सारे कारण हैं और जहां भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, कहीं कुछ हज़ार है, कहीं कुछ 100 है, इस तरह के अंतर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि नहीं पूरे ही नकार दिए गए हैं, तो जीत होती रहती है, लेकिन हाँ, हम लोग पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने लड़ा, उनके तरह छल कपट करके हम लोग नहीं लड़े। रघुवर दास जब चुनाव लड़े उस वक्त भी आदिवासियों ने साथ छोड़ा और 25 में से एक भी सीट नहीं आ पाई, रघुवर दास के समय में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त भी आदिवासी सीट BJP के खाते में नहीं आई, और अब इस विधानसभा चुनाव में भी वही चीज़ दिखाई दिया, यानी आदिवासी एक तरह से BJP से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, आदिवासी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे, ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसलिए मैंने इससे पहले आपके सवाल में मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा का कहीं ऐसा अंतर नहीं है, कहीं कुछ हज़ार का है, 2000 का है, इस तरह के अंतर रहे हैं, तो इसलिए ये मत कहिए, ये आपका प्रश्न ही गलत है, ये आपका पूछना ही गलत है कि आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, बिल्कुल नहीं नकारा है। अगर आदिवासी नकार देते तो उड़ीसा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, और यहाँ पर भी जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, अगर आप पूरे विस्तार से आप देखिएगा, वोटिंग परसेंटेज में बढ़ा है। 2005 के बाद लगातार चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन BJP का रहा है, एकमात्र अगर कारण माना जाए तो कई कारण तो आपने बताया, एकमात्र कारण जो सरकार से रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, हम लोग हो सकता है अपनी बातों को हम लोग जनता के बीच में सही तरीके से नहीं रख पाए, और जिस तरह से जो सरकार ने अपने जो उनके सरकारी तंत्र है जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। आगे क्या रणनीति रहेगी मैडम?